वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रेजिन पोर तो नहीं, लेकिन रेजिन पोर से पहले जो हम लोग बेस पहले से ही प्रिपेयर करके रेजिन पोर करते हैं उसका तरीका बताती हूँ। ये मेरे पास MDF का बोर्ड है, ये बहुत थिक नहीं है, आप इसकी विड्थ देख लें। इसको सूतर का कहते हैं, इसके जो आम जुबान में आई थिंक ये कुछ काफ़ी थिन होगा। अगर क्योंकि मैंने थिन इसलिए लिया क्योंकि मैं इसको फ्यूचर में क्लॉक बनाऊंगी, और क्लॉक की जो मशीनरी होती है वो बहुत थिक बोर्ड के अंदर नहीं जाती है, उसकी खास लेंथ होती है मशीन की। तो इसको मैंने पहले प्राइमर कर लिया। मैंने प्राइमर क्यों किया क्योंकि मैंने इसके ऊपर पेंटिंग करनी है, तो मैंने प्राइमर करके इसको ड्राई कर लिया। अब मैं इसको सैंड करूँगी। से इसको सैंड कर ले, उसके बाद इसको किसी भी क्लॉथ से साफ कर ले। अच्छा, सैंड मैंने इसको कर लिया, ये काफी स्मूथ हो गया। तो अब मैंने पानी लिए, उसमें मैंने ब्रश लिया, कोई उसके नंबर भी मिट गया, 6-7 नंबर होगा या शायद 4-5 होगा। इसके बाद मैंने ये क्रैली कलर्स लिए क्योंकि मैं सी का इफेक्ट देना चाह रही हूँ। तो मेरे पास ये डार्क ब्लू है और ये लाइट ब्लू है, वाइट मज़ीद लाइट करने के लिए, और थोड़ा सा ये ग्रीन कलर है, सी ग्रीन सा, ये मैं कलर चूज करूँगी। तो मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम डार्क ब्लू, डायरेक्ट मैं ब्लू बोर्ड पे ही डाल दूँगी। ठीक है, इसको गीले ब्रश से स्प्रेड करूँगी एजिस तक, एजिस करने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद साथ ही मैं वाइट ब्लू डाल दूंगी। तो मैं ब्रश को धो लूंगी ताकि इसमें से एक्सेस डार्क ब्लू कलर निकल जाए। पानी लगाना ताकि स्प्रेड अच्छा हो जाए साइड्स साइड्स। बस अब इन दोनों कलर्स को वापस में मिक्स करूँगी। ये लाइन नहीं नजर आनी चाहिए, बिल्कुल ब्लेंडेबल लाइन होगी। डार्क टू लाइट की तरफ आऊंगी मैं हल्का सा, और लाइट टू डार्क की तरफ जाऊंगी हल्का सा। आप ये देखने कितना अच्छा ये ब्लेंड हो गया। इस तरह से पानी आपको चाहिए होगा ऑब्वियसली, और ब्रश को बीच में साफ भी करना पड़ेगा। Like this. जब तक आपको सही प्रॉपर शेड नहीं बन जाता, बिल्कुल ब्लेंडेड शेड, तब तक आप इसको ब्रश को फेंकते जाएं करते जाएं इसमें। अच्छा, अब काफ़ी हद तक ये ब्लेंड हो गया। इसके बाद इस एरिया में मैं वाइट डालूंगी, और सी ग्रीन कलर है, बहुत बड़ा नाम इसको लूंगी।
बिल्कुल वाइट है इसको, वो ऐसा टर्को सेट को सी ग्रीन ऐड करूँगी यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद हमने सैंड को कलर देना है इस पर। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू, ताकि वो लाइट ब्लू से सी लाइट सी ग्रीन में मर्ज हो जाए। और इस लाइन को हमने मैप करना, इसके लिए मैं अच्छी तरह से ब्रश साफ करूँगी ताकि ब्लू से वाइट के दरमियान जो लाइन है वो मर्ज हो जाए। ब्लू का मैं मंजिल डाली, ये आधा जगह ब्लू से सी ग्रीन और टर्कोइस आपके सामने मैंने बनाया, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद भी है, मैं ये टाइप भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, ¿dónde está esa luz? Me pongo esa luz a un día, va a abrir un día. वैसे आप स्ट्रोक्स देते हैं, दैट्स इट, यहाँ पे मेरा रेडी हो गया। अब हम चाहेंगे टूवर्ड्स बीच कलर, बीच के लिए हमें चाहिए बीच के लिए मैं थोड़ा सा वाइट लूँगी, थोड़ा सा येलो, देख लीजिए आप बहुत मामूली समय येलो लूँगी, उसके बाद मामूली सा रेड, हल्का सा ब्लू, इसमें ब्लू ज़्यादा हो गया है, वाइट और रेड ज़्यादा होना पड़ेगा, ग्रीनिश हो रहा है, इसकी ग्रीनिश पन को खत्म करने के लिए हम थोड़ा सा रेड लेंगे।
बोर्ड पे ही मैं कलर बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा डार्क चाहिएगा और आगे थोड़ा सा इसको वाइट डाल के लाइट करेंगे। डार्क टू लाइट हम इसको लाइन दे देंगे। साइड्स आपने नहीं छोड़ने, साइड सबसे पहले करो। कोई जगह भी नहीं आपने छोड़नी क्योंकि अब इस पर रेजिन डालेंगे, इस एरिया में नहीं डालेंगे हम लोग, इसी में डालेंगे तो विजिबल हो जाएगा। थोड़ा सा वेव इफेक्ट दे रही हूँ मैं क्योंकि जब रेजिन पोर करेंगे तो वो वाइट ही डालना है इस एरिया में। हमारा तकरीबन बेस रेडी हो गया। That's it. अब जितनी मिस्टेक्स हैं वो ऑब्वियसली हमारी रेजिन के बाद छुट जाएंगे। ये साइड्स को आप अच्छी तरह से देखें, कोई एरिया रहना चाहिए आपका अनकवर, आप उसको अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, ये हमारा बोर्ड रेडी है सामने। अच्छा, अब हम क्लॉक के नंबर्स तो नहीं हमारे पास, तो ये मेरे पास शैशलिक स्टिक है, मोटी वाली, काफ़ी लंबी है और काफ़ी थिक है। इसके हमने 12 पीसेस कट किए हैं। कट करने के लिए एक मैंने टेम्पलेट बना लिया था जिससे मैंने मैयर किया क्योंकि तो मुझे लंबा साइज चाहिए। नीचे वुड का पेस्ट रखा और शार्प नाइफ से आगे पीछे को टेस्ट किया, ये कट किया बहुत ईजीली कट जाता है। बस मैंने ऑलरेडी 12 कट कर लिए थे। के बाद इसकी दोनों साइड्स को सेंड करूंगी हल्का सा। अच्छा, अब ब्लैक एक्रेलिक कलर लेंगे। क्विक एंड इजीएस्ट वे कलर करते जाएं all sides. सब कलर हो गए उनके साइड्स में, सब कलर कर लिया हम से और हाथ पूरा धो लें। अच्छा, अब आपने इस बोर्ड के अकॉर्डिंगली न्यूज़पेपर सेम डायमीटर का कट करना है। इसके बाद अब आपने वो से देखना है,
इसको मैं फोर फोल्ड करूँगी, एक्सेक्ट फोर फोल्ड्स, ठीक है। इस तरह से मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया है। पॉइंट को हाफ कर ले, इसके बाद इस फोर्थ पार्ट के मज़ीद थ्री पार्ट्स आपने करने हैं, क्योंकि हर क्वार्टर में तीन नंबर्स होते हैं। सिर्फ और बैक साइड के भेजें, बस आपके तीनों हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्रिंट आउट करवा लें, ये टेम्पलेट मिल जाता है क्लॉक का। इस तरह से मेरे पास, तो आप इसको खोलेंगे तो आपके पास 12 पार्ट्स आने चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसको दोबारा से फोल्ड बैक करोगे, फोल्ड बैक करके जहाँ से आपने नंबर आपका लगाना शुरू करना है, लाइक अगर आपने 12 नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप इतने हिस्से को कट कर लें, इसको दोबारा से फोल्ड करें बिल्कुल स्ट्रेट कट करें। अब आपके पास उधर ही छोटा सर्कल आ गया। अब आप गौर करें तो यहाँ से लाइक आपने 12, 6, 3 और 9 यहाँ पर रखना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके एक लाइन लगा दूँगी, यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेम होना चाहिए। इसके बाद डॉटेड लाइन, ठीक है, ये मेरे पास 4 मार्क्स आ गए। इसके बाद आप डबल पे आ जाए, आप सिंगल पे डॉट से स्टार्ट करना मस्ट है, लाइन को टच करना मस्ट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही होना चाहिए, पेपर को कट करने का मकसद यही था कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए। यू गॉट ऑल द 12 मार्क्स, ठीक है। अब मैं ग्लू से इंटर मार्क के पर बाजू से लगा लें, जितनी लंबी आपकी स्टिक है मैं कितना होना चाहिए। उसके बाद स्टिक्स करके ब्लैक पेंट की थी उनको पेस्ट करते, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द सेम, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए अकॉर्डिंगली जैसे अपनी मेन ड्रॉ की थी उसके ऊपर होनी चाहिए।
ठीक है। अब मैंने ये ट्रांसपेरेंट रेजिन मिक्स किया, ठीक है, और अब मैं इतनी ही जितना ये सी का एरिया वहाँ पर इसको पोर करूँगी। होपफुली ये पूरी हो जाए, क्योंकि मुझे इसमें भी वाइट भी मिक्स करना है और रेजिन मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी सी बचा लूँगी वाइट वेव्स के लिए और बाकी को स्प्रेड कर दूँगी। इसको किसी भी मुद्दे से सारी स्प्रेड हो गई। दिस स्पेशली द साइड्स ऑफ द स्टिक्स पर यहाँ पर जगह बच्चों बाकी रेजिन में मैं वाइट कलर थोड़ी ज़्यादा जहाँ रेजिन कम है वहाँ मैं डाल दूँगी, ठीक है। ये डबल लेयर में भी काम होता है, मैं सिंगल लेयर अभी फर्स्ट लेयर बना रही हूँ, रेजिन आई तो मैं आपको उसकी सेकेंड लेयर भी सेम प्रोसेस से स्टेप रिपीट हो जाएगी। थोड़ा सा हीट करना, बाकी रेजिन में मैं व्हाइट कलर मिक्स करूँगी, ठीक है। व्हाइट कलर मैंने मिक्स कर दिया, अब इसको एच करूँ। मैंने व्हाइट रेजिन मिक्स की थी, मैं एच में डालूँगा। थोड़ी सी बचा लो हीट गन से इसको ब्लो करें।
done. That's it. ये हमारा रिबन बोर्ड रेडी है. वेव्स तैयार है. अब बाकी होल करके तो यहाँ पर हम लोग इसकी मशीन ऐड कर लेंगे. दैट्स इट.